हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल घर की रसोई एंड टिप्स में तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी और मटर के पराठे इसके लिए हम दो बड़े साइज़ के आलू को मोटे मोटे टुकड़े में छीलकर काट लिए हैं आधा फूल गोभी को मोटे मोटे टुकड़े में काटकर धोकर साफ कर, कर, कर लिए हैं एक कप मटर को धो लिए हैं साफ कर लिए हैं इधर कुकर में पानी डालेंगे गरम होने के लिए दो गिलास पानी डाल दिए हैं अब हम आलू गोभी और मटर को कुकर में डाल देंगे कुकर के ढक्कन बंद करके दो सीटी लगने तक पकाएंगे दो सीटी हमारा लग गया है अब हम गैस को बंद कर देंगे दस मिनट हमारा हो गया है अब हम आलू गोभी मटर को छेद वाले बर्तन में छान दिए हैं सारा पानी निकल गया है पानी अच्छे से निकल गया है अब हम उसको कुकर में फिर से डाल देंगे दाल घुटने वाले की सहायता से उसको मैश करेंगे आप हाथ से भी मैस कर सकते हैं लेकिन बहुत गरम है इसलिए हाथ जलेंगे हम दाल घुटने वाले की मदद से सबको मैस कर रहे हैं आप हाथ से भी कर सकते हैं अब अच्छी तरह मैश हो गए हैं अब हम पराठे के स्टोफिन तैयार करेंगे इसके लिए कढ़ाई गरम हो रहे हैं अब हम उसमें चार चम्मच सरसों तेल डालेंगे सरसों तेल में स्टोफिन तैयार करने से बहुत ही अच्छे टेस्ट आते हैं तेल हमारा गरम हो गया है अब हम उसमें एक छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे जीरा तड़क गया है एक बारीक कटा हुआ प्याज दो हरी मिर्ची सबको चलाते हुए एक मिनट तक पकाएंगे। प्याज हमारा भून गया है अब हम उसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसको चलाते हुए एक मिनट तक पकाएंगे। एक मिनट हमारा हो गया है अब हम इसमें एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर स्वाद अनुसार नमक सबको डालकर अच्छे से मिलाते हुए दो मिनट तक पकाएंगे। दो मिनट हमारा हो गया है मसाला अच्छे से पक गया है, अब हम इसमें आलू गोभी मटर जो मैश करके रखी थी उसको डाल देंगे अब हम इसमें एक चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे एक चम्मच चाट मसाला डालेंगे अब हम सबको मिलाते हुए एक मिनट तक पकाएंगे। हम इसमें एक छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया अब सबको मिला देंगे सब मसाले अच्छे से मिल गए हैं स्टफिन हमारा तैयार है अब हम आटे तैयार करेंगे पराठे के लिए इसके लिए हम 500 ग्राम आटे लिए हैं एक चम्मच घी एक छोटा चम्मच अजवाइन को हाथ से मेस करके डालेंगे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे अब हम सबको अच्छे से मसल कर मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो तैयार करेंगे एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे डो हमारा तैयार है अब ढक कर मिनट रेस्ट तक रख देंगे 10 मिनट हमारा हो गया है अब हम पराठे बनाएंगे इसके लिए छोटी छोटी पेड़े बनाएंगे सारा पेड़ तैयार है अब हम जल्दी से रोटी बेलेंगे दोनों रोटी बराबर ही साइज के बेलेंगे अब हम दूसरे रोटी बेलेंगे आठ रोटी बेल के तैयार कर लिए हैं अब हम पराठे सेकेंगे हम एक रोटी हम लिए हैं उसके ऊपर दो चम्मच स्टफिन डालेंगे और चारों ओर फैलाएंगे। इससे पराठे में बहुत ज़्यादा स्टफिन आते हैं इस तरह से बनाने से पराठे बहुत अच्छे से बन जाते हैं आसानी से अगर आप लोग से पराठा भरने में फटने लगते हैं तो आप इसी तरह दो रोटी बनाकर एक नीचे रखिए उसके बाद उसमें स्टफिन डालकर एक ऊपर से ढक दीजिए चारों किनारा दाब के रोटी के ऊपर स्टफिन लग गया है अच्छे से अब हम एक दूसरे रोटी लेकर ढक देंगे और साइड से दबाते हुए चिपका देंगे तावा इधर गरम हो रहा है तावा हमारा गरम हो गया है अब हम पराठे को डाल देते हैं एक तरफ़ से पराठा हमारा सिक गया है अब दूसरे तरफ़ पलट देते हैं अब हम चम्मच से घी लगाएंगे, चारों तरफ फैलाएंगे। हम यहाँ पराठे घी में सेक रहे हैं आप तेल में भी पराठे सेक सकते हैं घी में पराठे स्वादिष्ट लगते हैं दोनों साइड से पराठे हमारे सीख गए हैं अब हम दूसरे पराठे सीखेंगे इसी तरह से सारे पराठे में स्टोफिन भर के तैयार कर लेंगे दूसरे पराठे भी हमारे एक साइड से सीख गए हैं अब हम पलट दिए हैं इसमें भी घी लगाएंगे चम्मच से चारों तरफ फैला देंगे अब हम फिर से पराठे को पलट कर सेकेंगे इधर भी घी लगा देंगे दोनों साइड हल्का हल्का घी लगाकर मिला देंगे पराठे हमारे दोनों साइड से सीख गए हैं बहुत ही अच्छा कलर आए हैं पराठे में बहुत खास्ता पराठा बनते हैं इसी तरह से हम तीसरे पराठे भी सेक लेंगे पराठे में हल्के हाथ से बेलन चलाना है ज्यादा दबाना नहीं है बेलन को इसी तरह से हम सारा पराठा सेक लेंगे पराठा बहुत अच्छे बने हैं खास्ता पराठा पराठे में बहुत अच्छे से कलर भी आए हैं पराठा हमारा सर्व करने के लिए तैयार है देख सकते हैं कितने अच्छे स्टोफिन है थैंक यू फ्रेंड्स आप अगर हमारे चैनल में नए आए हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें ओके बाय